नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। मानगो दाईकुटू से लापता किशोरी, दो दिन बाद टाटानगर स्टेशन से हुई बरामद। कांडा के चदरी मोड़ के पास दो अज्ञात अपराधियों ने मुंशी जमाल को गोली मार 2 लाख की लूट को दिया अंजाम। जमशेदपुर के कदमा में खड़ी इंडिका कार को अज्ञात शरारती तत्वों ने लगाई आग। सरायकेला के आदित्यपुर पुलिस ने बिजली के केबल चोरी मामले में फरार चल रहे अपराधी को किया गिरफ्तार। खबरें अब विस्तार से और खबरों में बात करेंगे सबसे पहले कदमा में लगी आग की। आपको बता दें, कदमा रामनगर रोड नंबर 2 में खड़ी इंडिका कार में अज्ञात शरारती तत्वों ने आग लगा दी, जिससे कार पूरी तरह जल गई। बताया जाता है, रविवार की रात में खड़ी इंडिका कार में अज्ञात शरारती तत्वों ने आग लगा दी। कार पूरी तरह जल गई। स्थानीय लोगों के प्रयास से आग पर काबू पाया गया। इधर कांड्रा के नजदीक चादरी मोड़ के पास दो अज्ञात अपराधियों ने SMB कंपनी के मुंशी जमाल को गोली मारकर 2 लाख रुपए लूट कांड को अंजाम दिया। इधर घटना के संबंध में जानकारी देते हुए कांड्रा थाना प्रभारी ने बताया, SMB कंपनी के मुंशी गम्हरिया से 2 लाख रुपए तगादा वसूल कर सरायकेला वापस लौट रहा था। कांड्रा के पास चदरी मोड़ पर बाइक से पहुंचे दो अज्ञात अपराधियों ने समीपीय जंगल में मुंशी को ले जाकर गोली मारने के बाद 2 लाख रुपए लूट लिया। उन्होंने कहा, अपराधियों को मुंशी को लूट कांड का अंजाम नहीं देना था, बल्कि जान मारनी थी। कोई पुरानी दुश्मनी के कारण अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। जख्मी मुंशी को इलाज के लिए TMH में भर्ती किया गया है। कल जो है वो जीवनपुर ग्राम मोड़िया के पास है, थाना सरायकेला, उस वहीं का निवासी है और वो SMB कंपनी है, ईंट भट्टा है, उसी में वो मुंशी का काम करता है। वो अपना तगादा कर करके गम्हरिया से लौट रहा था। आज करीब 12:30 बजे उसको दो लड़का चडरी मोड़ के पास पीछा कर करके और जंगल में ले गया, बगल में 10 कदम मेन रोड से, और वहीं गोली मार करके उसका 2 लाख रुपया ले लिया। और रुपया जो लिया है उसमें से एक लड़का जो बोल रहा था गोली मारने वाले में से, बोलते हमको रुपया। उधर सरायकेला खरसवा जिले के आदित्यपुर थाना पुलिस ने बिजली के केबल चोरी के मामले में फरार चल रहे अपराधी अविनाश सिंह नामक युवक को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। हालांकि चोरी का केबल अब तक बरामद नहीं किया जा सका है। अविनाश की गिरफ्तारी के बाद इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है। बता दें कि बीते 23 जनवरी को इसी मामले में शामिल शांति नगर के एक युवक राकेश सिंह ने आत्महत्या कर लिया था और इसके लिए उसने पुलिस प्रताड़ना को जिम्मेदार बताया था। 4 पन्ने के सुसाइड नोट में उसने खुद को बेगुनाह बताते हुए पूरे मामले के लिए जिम्मेदार अपने मुंह बोले बहनोई अविनाश सिंह को बताया था, लेकिन अविनाश की गिरफ्तारी के बाद उसने जो खुलासे किए उससे घटना में राकेश की संलिप्तता पाई गई है। जानकारी देते हुए आदित्यपुर थाना प्रभारी सुषमा कुमारी ने बताया कि मृतक पकड़े जाने के डर से सुसाइड नोट के माध्यम से पूरे मामले की जांच को गलत दिशा की ओर मोड़ने का प्रयास किया था, लेकिन उसके सहयोगी की गिरफ्तारी होने से पूरा मामला साफ हो गया है। उन्होंने बताया कि एक साजिश के तहत उसने सरकारी केबल की चोरी की घटना को अंजाम दिया था, जिसमें तथ्य और साक्ष्य मृतक के खिलाफ पाए गए। उधर पुलिस ने गिरफ्तार अविनाश पर आत्महत्या के लिए प्रेरित किए जाने संबंधी मामला भी दर्ज किया है। बोलिए, सरकारी केबल जो बिछाता है, ठेकेदार गिराया था 2 ड्रम, उसको उठा कर इलो 407 पे लाद कर गोलू डी होटल के पास ले जा गिराया था। वहाँ से दूसरे 407 पे लोड किया और वहाँ से कहाँ गया अविनाश बोल रहा है कि हमको नहीं पता है, राकेश को पता है, वो कहाँ भेजा। और बोला वो कि राकेश के कहने पर ही हम दोनों 407 किए थे भाड़े पे। राकेश बोला था कि 407 अगर हम बोलेंगे 407 वाले के तो बोलेगा कि मेरा 407 है, उसी पे क्यों नहीं लोड कर रहे हो, इसलिए हमसे बुलवाया था साहब जी को 407 देने के लिए, और साहब जी 407 दिए।
उसके बाद वहाँ से ले गया, होटल पे गिराया, होटल पे गिराने के बाद साहब जी लोग को भाड़ा दे के छोड़ दिया। उसके वो लोग जाने के बाद ये लोग दूसरा गाड़ी में लोड किया और कहाँ गया ये बोलता है गिरा के, इसको पता हमको नहीं पता हुआ। उसमें कहते हैं गिरफ्तारी हुई अविनाश का। और मानगोदाई गुट्टू से लापता 13 वर्षीय मुख्य बधिर किशोरी 2 दिनों बाद सोमवार को टाटानगर रेलवे स्टेशन से बरामद हुई। रेल पुलिस ने बच्चे को स्टेशन में लावारिस अवस्था में पाया। इसके बाद उसे टेल्को स्थित मदर टेरेसा वेलफेयर ट्रस्ट को सौंप दिया गया था। ट्रस्ट के पदाधिकारी हरपाल सिंह ने किशोरी का फोटो सोशल मीडिया पर देखा। इसके बाद उन्होंने परिजनों से संपर्क किया और किशोरी को उन्हें सौंप दिया। बच्ची शनिवार 4:30 बजे से लापता हुई। बच्ची बोल नहीं सकती है और हम लोग लिखित सूचना दिए थे, लेकिन किसी ने उसको रेलवे स्टेशन में छोड़ के चला गया था। बच्ची इशारा से बताई कि हम लोग जब मिले बच्ची से कि हमको किसी ने जबरदस्ती गाड़ी में बैठा के लेके गया था, उसको गला में इशारा से बता रहे थे हमको ऐसे करके ले गया बेचे। कहाँ से उठाया था बच्चे? उसको मान को दाई गुटो मुंशी मोहल्ला से नहीं साहू लाइन से उठा दिया। साहू लाइन फिर आप लोग थाना में आवेदन दिए जी, उसके बाद कैसे मिली बच्ची? हम लोग थाना में आवेदन दिए थे, थाना जैसे आवेदन दिए तो उन्होंने भी पूरे सब जगह से वायरलेस करा दिया था और हम लोग भी अपने माध्यम से व्हाट्सएप के माध्यम से फेसबुक के माध्यम से वायरलेस मैंने सब जगह से हम लोग सोशल मीडिया में छोड़ चुके थे। और कहीं नहीं तो कोई सक्रियता बड़ी, प्रशासन भी हमें साथ सहयोग किए हैं और जिसके लाभ जो कि आप CW। साथ ही गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर आजाद नगर थाना शांति समिति की ओर से थाना परिसर में एक शाम राष्ट्रीय एकता के नाम के बैनर तले मुशायरा सह कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन SSP अनुप बीरथरे ने बतौर मुख्य अतिथि दीप जलाकर किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा, यह अच्छा कार्यक्रम है, इतना अच्छा कार्यक्रम कम दिखने को मिलता है। शायर और कविता से व्यक्तित्व में निश्वार आता है। गणतंत्र का मतलब लोगों द्वारा चुनी गई शासन व्यवस्था है। जाए एक भूखा हो तो दूजे से। कवि सम्मेलन और मुशायरे आयोजित किए जाएं बहुत कम रह गए हैं और खास तौर पर इससे अच्छा सेलिब्रेशन कुछ नहीं हो सकता है अपने गणतंत्र के लिए कि हम लोग बैठ करके और इस कवि सम्मेलन और मुशायरे का आनंद लें। तो इसके आयोजकों को सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि उन लोगों ने इतना अच्छा काम किया, क्योंकि ये बहुत ही स्वस्थ मनोरंजन है। बेसिकली आप एक अच्छा मनोरंजन भी होता है और बहुत ज़्यादा आपके व्यक्तित्व में निखार होता है, अच्छी चीज़ें आप सीखते हैं। तो इनके जो आयोजक हैं उनको बहुत बहुत शुक्रिया। गणतंत्र दिवस एक्चुअली बहुत महत्वपूर्ण है। गणतंत्र का मतलब क्या है? गणतंत्र हिंदी में या इंग्लिश में रिपब्लिक डे, बेसिकली इसका मतलब है कि कोई भी ऐसा देश जिसमें कि जो प्रमुख शासक हैं वो जनता के द्वारा चुने जाएँ वो रिपब्लिक होता है। तो भारत को एक्चुअली 26 जनवरी 1950 को जो रिपब्लिक घोषित किया गया हमारे संविधान के निर्माण के बाद, क्योंकि देखिए हम लोग स्वतंत्र तो हो गए 15 अगस्त 1947। और परसोडी गोल पहाड़ी में साई महोत्सव का आयोजन किया गया। साई महोत्सव के अवसर पर साई भजन का आयोजन किया गया। गायकों ने साई भक्त गाना प्रस्तुत कर साई भक्तों को झूमने के लिए मजबूर कर दिया। आपने मुझे बाल था उन वक्त, तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज़। हर इंसान का जन्मसिद्ध अधिकार है कि वो एक कामयाब जिंदगी गुजारे, तो फिर आप क्यों नहीं, हम आपको काम सिखाकर नौकरी के लायक बनाएंगे। आप आए हमारे पास राबिया इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, टिग आर्गन वेल्डिंग, मिग CO2 वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, 6G पोजीशन, इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, एयर कंडीशन टेक्नीशियन, ऑपरेटिंग JCV, एक्सकवेटर, मोबाइल क्रेन, क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर, फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट। झारखंड का एकमात्र इंस्टीट्यूट जो नेबोश कार लर्निंग सेंटर है, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त, जहां महीने में कम से कम 2 बार कैंपस सिलेक्शन होता है। राबिया इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट,
मस्जिद रोड, गोलमुरी, जमशेदपुर। फोन नंबर 0657-654-3741। मोबाइल नंबर 0980-149-5586 और 0997-377-0707। और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। रुक्मणी देवी मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से MGM अस्पताल में गरीब रोगियों के बीच 100 कंबल बांटे गए। इस संबंध में जानकारी देते हुए आसू पार्टी के केंद्र सचिव चंद्रगुप्त सिंह ने बताया, रुक्मणी देवी मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से गरीब मरीजों के बीच 100 कंबल बांटे गए। इसको आप यूज कीजिएगा, ठीक है। इस कार्यक्रम जो है आपको राजदेवी मेमोरियल ट्रस्ट के माध्यम से गरीब असहाय दुखिया है, उसकी गर्मी ठंडा में उनको कोई ठंड के अवसर पर कोई सहारा नहीं है, सहारा देने के लिए राजदेवी मंगल ट्रस्ट के माध्यम से कंबल वितरण का आयोजन किया गया। तो इस आयोजन के अवसर पर हम तो राजदेवी साथ साथ उनके परिवार बाल बच्चों को मैं शुभकामना देता हूँ, क्योंकि आज गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर उनके परिवार, समाज, हित माता, भाई बच्चा सभी को, साथ साथ सभी भारतवासियों, झारखंड वासियों, विशेषकर जमशेदपुर वासियों को मैं शुभकामना देता हूँ और ईश्वर से ही अर्चना प्रार्थना करता हूँ। इधर जमशेदपुर अभिभावक संघ की ओर से DC कार्यालय पर रैली निकाली गई। रैली के उद्देश्य के संबंध में जमशेदपुर अभिभावक संघ के अध्यक्ष डॉ. उमेश कुमार ने बताया, वंचित और दिव्यांग बच्चों को स्कूलों में निशुल्क किताब और स्कूल ड्रेस देना है, परंतु स्कूल प्रबंधकों की ओर से अनदेखी की जा रही है। अभिवंचित वर्ग के जो बच्चे हैं, स्कूल में नामांकन जिनका मिल चुका है, उन बच्चों को फ्री कॉपी किताब और स्कूल ड्रेस मिलना है। झारखंड निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिनियम को 2012 में संशोधित करते हुए आदेश दिए गए हैं कि स्कूलों में पढ़ने वाले कमजोर वर्ग के बच्चे, अभिवंचित वर्ग के बच्चे को निःशुल्क कॉपी किताब और स्कूल ड्रेस मिलना है, लेकिन इस सुविधा से अभी तक यहां के बच्चे महरूम हैं। जमशेदपुर अभिभावक संघ आज उपायुक्त महोदय के समक्ष अधिसूचना की कॉपी सौंपते हुए यह मांग करने आया है कि इन बच्चों को यह फैसिलिटी 2000 RTE अधिनियम के 2009 के तहत दिया जाए, साथ ही दिव्यांग बच्चों को भी यह सुविधा उपलब्ध कराई जाए। इन मांग को लेकर आज हम लोग रैली के रूप में आए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आने वाले दिनों में नहीं, हम लोग अभी चरणबद्ध आंदोलन करेंगे इस संबंध में, जब तक मांग पूरी नहीं हो जाती है। नहीं तो फिर जो है चरणबद्ध आंदोलन करने के बाद अगर भी उस वो भी सुनवाई नहीं होती है तो फिर जो है कड़े आंदोलन हम लोग करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। उधर ऑल इंडिया माइनॉरिटी सोशल वेलफेयर फ्रंट की ओर से NRC और CAA के खिलाफ DC कार्यालय पर महाधरना रखा गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए फ्रंट के नेता बावर खान ने बताया, DC कार्यालय पर महाधरना 31 जनवरी को दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। कितना तारीख को धरना प्रदर्शन होगा? 31 जनवरी 2015। मतलब आंदोलन लगातार आपका चलता रहेगा? जब तक ये काला कानून भारतवासियों के सर में जो मंडला रहा है, फ्रंट CAA NRC जो काला कानून लागू किया गया, इसके खिलाफ में आंदोलन कर रही है और पूरे देश में आंदोलन हो रहा है। और ऑल इंडिया माइनॉरिटी सोशल वेलफेयर फ्रंट भी पूर्वी सिंहभूम जिला में आंदोलन कर रही है और उसी आंदोलन के क्रम में 31 जनवरी 2020 को 2 बजे दिन से लेकर 5 बजे शाम तक उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम कार्यालय के निकट महाधरना होगा। इस महाधरने का नाम है इनकलाबी महाधरना और इस महाधरना के साथ साथ गांधी मैदान में भी धरना होना है, जिसकी तिथि की घोषणा हम लोग संभवतः 31 जनवरी को 5 बजे शाम को करेंगे। कितने की संख्या में लोग उपस्थित? आज हम लोग एक ऑल इंडिया मेडिकल सोशल फ्रंट के अलावा कई धार्मिक संस्था, सामाजिक संस्था के लोग भी काफ़ी संख्या में आए थे और नगर पुलिस अधीक्षक से मिलकर उन्होंने अपने विचारों को रखा है।
वहीं बारीडी बजरंगपत निवासी शंकर दयाल ओझा ने न्याय की गुहार लगाने के लिए एसएसपी से मिले। इधर मामले के संबंध में शंकर दयाल ओझा ने बताया, डोली नाग को उसने भाड़े पर घर दिया था। लोन के रूप में डोली से 83,000 रुपए लिया था। उन्होंने कहा, डोली नाग ने 4,00,000 रुपए में घर बिक्री करने का जाली कागजात बना लिया था और उसे झूठा केस में जेल भिजवा दिया। डोली उसके घर पर कब्जा जमा रखी है। हमको 4 दिसंबर को लोग जेल भेज दिए। कितना दिन रहे? हम कल छूटे। आज एसपी साहब से मिले हैं। जेल से आए, घर गए तो घर में घुसने नहीं दे रही है। मेरे बीवी बच्चा अंदर में थी सर, उसके पास घुसने नहीं दे रही है। तो थाना गया तो थाने में बड़े बाबू थे नहीं, अधिकारी सब कहीं गए हुए। हमारा विवाह डोली नाग के साथ। क्या है मामला? मामला ये है सर कि उनको हम रहने के लिए रेंट में घर दिए थे। अच्छा। कुछ पैसा उनसे लिए थे, मुझे जरूरत था तो 83,000 रुपया। कितना पैसा लिए थे? 83,000 रुपया। अच्छा। तो वो 83,000 का एग्रीमेंट हुआ था और उसके एवज में वो 4,00,000 का पेपर शो कर रही है। जब SDO साहब उनसे 4,00,000 का स्टेटमेंट मांगे तो सर को स्टेटमेंट वो 4,00,000 का नहीं दे पाई थी। उसके बाद मेरे उनका सामान हम खुद उनका सामान निकाले थे क्योंकि वो उनको रेंट में लेके आए थे। तो हम बोले कि ठीक है दीदी, आप घर खाली कीजिए, आप 4,00,000 का प्रूफ कर रही हैं, अगर प्रूफ करेंगी और अगर हम आपको दिए हैं साबित होता है तब हम अपने छोड़ देंगे, नहीं तो अन्यथा आपको छोड़ना होगा। कितना पैसा आप लिए थे? हम उनसे 83,000 रुपये वापस कर दिए। 83,000 की है, वो मानने को तैयारी नहीं है। वो बोलती है कि तुम घर बेच चुका है। अभी तो उस जमीन का बात, यहाँ जमीन की बात का तो मैटर SDO साहब देख रहे हैं, प्लस और भी अधिकारी देख रहे हैं। सरायकेला जिले का नाम विश्व में छऊ नृत्य के लिए मशहूर है। अभी तक 6 छऊ गुरुओं को पद्मश्री से नवाजा जा चुका है। सरायकेला जिले का नाम विश्व में छऊ नृत्य के लिए मशहूर है। अब तक 6 छऊ नृत्य गुरुओं को पद्मश्री से नवाजा जा चुका है। गणतंत्र दिवस पर सरायकेला के छऊ नृत्य गुरु शशधर आचार्य को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। पद्मश्री शशधर आचार्य ने पद्मश्री मिलने पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। मानगो दाईगुटू से लापता किशोरी 2 दिन बाद टाटानगर स्टेशन से हुई बरामद। कांडा के चदरी मोड़ के पास 2 अज्ञात अपराधियों ने मुंशी जमाल को गोली मार 2,00,000 की लूट को दिया अंजाम। जमशेदपुर के कदमा में खड़ी इंडिका कार को अज्ञात शरारती तत्वों ने लगाई आग। सरायकेला के आदित्यपुर पुलिस ने बिजली के केबल चोरी मामले में फरार चल रहे अपराधी को किया गिरफ्तार। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की इजाजत। नमस्कार।